नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंक्रीज ट्रैफिक ऑन ब्लॉग। जी हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और नॉलेजेबल होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूँ कि आप अपने ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आप एक भी स्टेप स्किप ना करें इस वीडियो का, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि आपको अपने ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप उंगली मारो या पंजा मुझे नहीं पता, लेकिन वो लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हमारे गिव अवेज चल रहा है, तो गिव अवेज के अंदर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और मैंने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, उसको आपको लिंक को प्रेस करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। तो ये चीज़ करने के बाद में आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कॉन्टेस्ट में हमने फ्री में गिवअवेज रखा है, अपना जो यूट्यूब का जो ट्राईपोड होता है वो ट्राईपोड हम बिल्कुल ही फ्री में देने वाले हैं। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि आप अपने ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो है एसईओ फ्रेंडली यूआरएल का उपयोग करें। जी हाँ दोस्तों, आप अपना ब्लॉग लिख रहे हैं तो उससे पहले आप अपना यूआरएल जो है उसको कस्टमाइज करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने अपना जो यूआरएल है उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया है, उसको मतलब एसईओ फ्रेंडली यूआरएल नहीं बनाया है और उसका यूज़ आपने नहीं किया रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपने जब जिस दिन को आपने अपना यूआरएल या अपना ब्लॉग लिखना चालू किया है और पब्लिश किया होता है, उस टाइम पे वो डेट आपके यूआरएल के अंदर रह जाता है। तो आपको डेट नहीं रखना है, आपको डेट को रिमूव करके आपको कस्टमाइज यूआरएल बनाना है अपने ब्लॉग के या कीवर्ड के बेसिस पे। तो उसके बेसिस पे आप अपना जो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल है उसका उपयोग करेंगे तो चांसेस है कि आपका ब्लॉग जल्द से जल्द रैंक हो जाए कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। तो आपका ब्लॉग के अंदर ट्रैफिक आना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड जो टिप्स है वो है न्यू पोस्ट को ओल्ड पोस्ट के अंदर लिंक करें। मतलब कि आपकी जो ओल्ड पोस्ट है उसको आपके जो न्यू पोस्ट के अंदर उसका लिंक देना है, इंटरलिंकिंग करना है। तो उससे होगा क्या कि जो कोई भी यूज़र रहेगा जो आपकी नई पोस्ट देखने वाला है, वो बंदा आपकी पुरानी पोस्ट भी देखेगा और उसकी बेसिस पे आपके जो पेज व्यूज़ हैं वो पेज व्यूज़ ज़्यादा देखेंगे आपका यूज़र, और आपके ब्लॉग के ऊपर जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा आएगा। तो ये चीज़ का आप खास ध्यान रखें कि आप इंटरलिंकिंग करें। आपकी पुरानी पोस्ट की जो लिंक है वो आपके नए पोस्ट के अंदर आप बिल्कुल ही जरूर से डालिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपना टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करें। जी हाँ दोस्तों, आपने अपना कुछ भी मतलब अपने ब्लॉग लिखना चालू कर दिया, उसके पहले आपको अपना टाइटल जो है वो ऑप्टिमाइज करना है। आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसको भी ऑप्टिमाइज करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि गूगल का जो बॉट है, गूगल का जो क्रॉलर है, वो यूआरएल के बाद में स्कैन करते करते आपके टाइटल के ऊपर आएगा, उसके बाद में आपके मेटा डिस्क्रिप्शन को भी वो स्कैन करेगा। तो वो कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो आपको पता चल जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे करते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लॉग के ऊपर जल्द से जल्द ट्रैफिक और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आने लगे। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कीवर्ड स्टफिंग ना करें। जी हाँ दोस्तों, चौथे नंबर की जो टिप है वो है कीवर्ड स्टफिंग ना करें। क्यों? क्योंकि मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी बताया था कि कितना आपको कीवर्ड डेंसिटी रखना है, कीवर्ड का प्लेसमेंट कैसे करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने आई बटन में देके रखा है, उस लिंक को चेकआउट कीजिए और वो वीडियो कंप्लीट पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक कैसे लाया जा सकता है। तो दोस्तों, कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है कि आपने जो कीवर्ड यूज़ किया है वो बार बार अपने ब्लॉग के अंदर यूज़ ना करें, रिपीटेटिवली यूज़ ना करें। अदरवाइज क्या होगा कि गूगल की नज़र में वो स्पैमिंग गिना जाता है और गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक में नहीं लाता है, तो चांसेस है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आएगा। फिफ्थ नंबर की जो टिप्स है दोस्तों वो है अपनी साइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाए। जी हाँ दोस्तों, आजकल ये मोबाइल फ्रेंडली बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग अपने कुछ भी चीज़ है वो मोबाइल के अंदर सर्च करते हैं, डेस्कटॉप की बजाय वो मोबाइल के अंदर ही ज़्यादातर, आप या मैं कोई भी जो बंदा है, कोई भी यूज़र है, वो मोबाइल के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा सर्चेस होते हैं। तो उसकी वजह से आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। तो अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है
अच्छी बात है क्योंकि गूगल उसको रैंक जल्द से जल्द कर देता है, और उसके बेसिस पे आपके मोबाइल के बेसिस पे अगर मोबाइल फ्रेंडली आपकी वेबसाइट है तो ट्रैफिक आना चालू हो जाएगा, क्योंकि कई सारे लोग मोबाइल से भी सर्चेस करते हैं, तो वो जो साइट है आपकी मोबाइल के डिवाइस के अंदर वो रैंक होना चालू हो जाएगी। जो 6 नंबर की स्टेप जो स्टेप है वो है आपके जो इमेजेस है उसको ऑप्टिमाइज करें। जी हाँ दोस्तों, आपने जो जो भी इमेज आपके ब्लॉग के अंदर यूज़ किया है उसको ऑप्टिमाइज करना, अगर उसका MB ज़्यादा है तो आपकी जो वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बढ़ा देगा और उसकी वजह से आपकी वेबसाइट के अंदर लोडिंग होना चालू हो जाएगा। तो जो जो भी आपने इमेज यूज़ किया है उसको कंप्रेस करके मिनिमाइज करके उसको लगाए, उसका साइज कम करके उसको लगाए और उसको ऑप्टिमाइज करें, ताकि उसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट है उसका स्पीड ज़्यादा रहेगा और आपकी वेबसाइट रैंक में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि आप जो पहले 100 वर्ड्स हैं उसके अंदर आपके कीवर्ड को यूज़ करें। वो क्यों करना चाहे, क्योंकि गूगल का जो बॉट है उसका जो क्रावलर है वो URL पहले स्कैन करता है, उसके बाद में टाइटल, उसके बाद में मेटा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद में कोई भी जो आपकी जो इनिशियल 100 वर्ड्स है उसके अंदर अगर आपने अपना कीवर्ड यूज़ किया है तो वो उसको स्कैन करने के बाद में वो उसको रैंक में लाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको पहले 100 वर्ड्स के अंदर, पहले जो पैराग्राफ है उसके 100 वर्ड्स के अंदर आपको अपना कीवर्ड डालना है, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपकी वेबसाइट को रैंक में लाने के लिए और ट्रैफिक बढ़ाने के लिए। तो ये थे सभी स्टेप्स। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लीजिए दोस्तों, और कमेंट में मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो एंड तक देखा। मिलते हैं ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। धन्यवाद।